नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके इजी वे में। साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अपकमिंग स्पोर्ट्स गेम। ठीक है, अपकमिंग स्पोर्ट्स गेम। साथियों, ये जो टॉपिक है ना, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो हम इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक इसको पैरा ओलंपिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरा ओलंपिक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शीतकालीन ओलंपिक भी ओलंपिक पढ़ेंगे। शीतकालीन ओलंपिक, अब देखिए इसका शीतकालीन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये शीत ऋतु में होता है, इसलिए इसका नाम शीतकालीन ओलंपिक है। ठीक है, ओलंपिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, क्लियर। और ध्यान हम पढ़ेंगे एशियन खेल। ठीक है, तो पहले हम इन चार गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जो बचते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओलंपिक पे आते हैं। अब देखिए, ओलंपिक का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा है ना, तो चूंकि ये खेल सबसे पहले ओलंपिया नामक शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ गया। ठीक है, तो अगर हम ओलंपिक की बात करें तो इसका जो 31वां संस्करण हुआ था, जो 2016 में हुआ था, 31वां संस्करण 2016 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। ये ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर 31वां संस्करण हुआ था ओलंपिक का 2016 में। ठीक है, अब 32वां संस्करण की बात करें हम, ये कब होगा? क्योंकि ये 4 साल में एक बार होता है और ये 2016 में हो चुका, तो अब 4 साल के बाद होगा, तो ये कब होगा? 2020 में होगा। और 2020 में ये कहाँ होगा? ये टोक्यो जापान में होगा। टोक्यो जापान में, क्लियर। देखिए, ये अगले ही साल होने वाला है ये ओलंपिक टोक्यो जापान में, तो इसका जो है ना शुभंकर भी लॉन्च हो चुका है। तो उस शुभंकर का नाम क्या है? क्या है शुभंकर? शुभंकर वो है मिताई टोवा और सोमाइटी, ये जो है इसके शुभंकर हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसके शुभंकर हैं। तो आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम 33वां संस्करण की बात करें ओलंपिक के, जो 2024 में होने वाले हैं, ये कहाँ होंगे? ये पेरिस में होंगे। और पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, तो ये था एक और रह गया। हम आगे एक और स्टेप आगे कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम 34वां संस्करण की बात करें, जो 2028 में होने वाला है, ये कहाँ होगा? ये लॉस एंजिलस अमेरिका में होने वाला है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम शीतकालीन ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो पिछला गेम्स हुआ है, कब हुआ है ये? इसका जो पिछला गेम हुआ था 23वें नंबर का जो गेम्स हुआ था इसका, 2018 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये? ये साउथ
कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, क्लियर। अब जो इसका 24वें नंबर का होगा, क्योंकि ये 4 साल में ये भी एक बार होता है, 2018 में हो चुका है, तो अब अगला कब होगा? तो अगला होगा 2022 में। और कौन से नंबर का होगा? ये 24वें नंबर का होगा। 24वें नंबर का जो होगा 2022 में होगा, ये कहाँ होगा? ये दक्षिण कोरिया में होगा ना, तो ये दक्षिण कोरिया के बिल्कुल साइड में ये जो कंट्री है चाइना, चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग, वहीं पर होगा, बीजिंग में होगा, ठीक है। बीजिंग चीन, चीन में होने वाला है, ठीक है। ये है शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर उसके बाद हम राष्ट्रमंडल खेल की बात करें, तो राष्ट्रमंडल खेल भी हो चुका है। कब हुआ है? ये 2018 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? अगर राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो कौन सा संस्करण था? ये था 21वां संस्करण, और 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ? ये गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। अब गोल्ड कोस्ट कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है, वहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2018 में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम अगर बात करें इसका जो अगला होने वाला है राष्ट्रमंडल खेल, वो कब और कहाँ होगा? 22वें नंबर का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा 2022 में होगा, ये कहाँ होगा? ये होगा बर्मिंघम, बर्मिंघम ब्रिटेन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ब्रिटेन में होगा 22वां राष्ट्रमंडल का। उसके बाद हम ये तीन तो हो गए, अब उसके बाद हम एशियन गेम्स की बात करेंगे, ठीक है। एशियन गेम्स की बात हम यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि आगे आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो एशियन गेम, एशियन गेम्स की बात करें तो इसका जो 18वां संस्करण था वो कहाँ हुआ है? वो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ पे हुआ है। और कब हुआ था? ये 2018 में हुआ था, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। 18वां जो एशियन गेम्स है वो जकार्ता में हुआ था 2018 में, पिछले ही साल हुआ है, ठीक है। और जो इसका 19वां है, अगला जो होने वाला है कब होगा? ये भी 4 साल में एक ही बार होता है, तो ये 18 में हो चुका है, तो अगला कब होगा? 2022 में होगा। और ये कहाँ होगा? 19वां की बात करें हम तो 2022 में होगा। और ये कहाँ होगा? ये झांगसू, झांगसू एक जगह है चीन की, वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये था मतलब ये 4 गेम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसको एक बार हम और रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से अभी याद हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक का जो है ना 31वां संस्करण जो 2016 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, क्लियर। 32वां संस्करण की बात करें तो 32वां जो 2020 में होगा वो टोक्यो जापान में होगा, क्लियर। उसके बाद 33वें नंबर का जो खेल है और 2024 में होने वाला है वो कहाँ होगा? फ्रांस पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में होगा, क्लियर। उसके बाद 34वां जो इसका है वो 2028 में होगा, कहाँ होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, क्लियर। उसके बाद हम शीतकालीन ओलंपिक के ऊपर आते हैं। शीतकालीन ओलंपिक जो 23वां संस्करण था 2018 में हो चुका है, ये कहाँ हुआ था? ये दक्षिण कोरिया में हुआ है, ठीक है। और जो 2022 में वो कहाँ हुआ? बीजिंग चीन में हुआ, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो इसका जो 21वां संस्करण था वो हो चुका है 2018 में, वो कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 22वें की बात करें तो 22वां अब कहाँ होगा? ये ब्रिटेन में होगा, क्लियर। उसके बाद एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स का जो 18वां संस्करण था वो 2018 जकार्ता इंडोनेशिया में हो चुका है। और 19वां जो होगा 2022 में होगा वो कहाँ होगा? झांगसू चीन होगा, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब फ्रेंड्स हम आगे पढ़ते हैं, अब हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, है ना।
जो आईसीसी का जो 12वां संस्करण था, ये जो हाल फिलहाल में हुआ था, आईसीसी का 12वां वर्ल्ड कप जो हुआ है 2019 में, कहाँ हुआ था ये? कहाँ हुआ था ये? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। आपको पता होगा इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, क्लियर। इसमें विजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। किसको हराया था ये? किसको हराया था ये? न्यूजीलैंड को हराया था, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें 13वें नंबर की, आईसीसी वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप जो 2023 में होगा, वो कहाँ होगा? वो कहाँ होगा? वो भारत में होगा, ओनली भारत में, ओनली इंडिया। देखिए मैंने यहाँ ओनली लिखा, ओनली शब्द आप इसे, तो इसका मतलब है कि केवल भारत में होगा, ठीक है। तो केवल भारत में होगा, अब इसका क्या मतलब है? इससे पहले भी तो इंडिया में हुआ था ना, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी तो इंडिया में हुआ था। नहीं, वो केवल इंडिया में नहीं हुआ था, वो बांग्लादेश और श्रीलंका और इंडिया तीनों में हुआ था, ठीक है। ये पहली बार हो रहा है जब इंडिया में ये जो 23वां 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम अगर बात करें आईसीसी T20 महिला और पुरुष जो 2020 में होने वाला है, जो 2020 में होने वाला, ये कहाँ होगा? ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, क्लियर। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें फुटबॉल की, तो देखिए जो 21वां संस्करण हुआ ना फीफा का, जो 21वां संस्करण हुआ है फीफा का 2018 में, कहाँ हुआ था ये? ये हुआ था रसिया में, रूस में। और किसने जीता ये? किसने जीता? तो फ्रांस ने जीता है, फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा कर, जहाँ पर आप वर्ल्ड कप कर लीजिए, ठीक है। अब जो 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, जो 22वां संस्करण होगा फीफा वर्ल्ड कप का, वो कहाँ होगा? 22वां संस्करण कब और कहाँ होगा? ये होगा 2022 में होगा, और कहाँ होगा? कहाँ होगा ये? कतर, ये दोहा में होगा, दोहा में होगा, कतर की राजधानी है दोहा, वहां पर 22वां वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम अगर बात करें अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप की, तो ये कहाँ होगा? जो 2020 में होगा ये कहाँ होगा? ये भारत में हो रहा है, इंडिया, भारत में, ठीक है। उसके बाद रग्बी फुटबॉल की बात करें, रग्बी फुटबॉल वर्ल्ड कप ये कहाँ होने वाला है? जो 2023 में होगा ये कहाँ होने वाला है? ये फ्रांस में होगा, ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, आज की क्लास थी हमारी ये, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।